हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्राइडल मेकअप किट अंडर 6000 रुपीज़। मैं इससे ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहती थी बट हो नहीं पाया, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ वो बेस्ट प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, आई नो, बट गाइज मैंने ये जो वीडियो बनाया ना, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए ना, ये सारे के सारे ऑल स्किन टाइप सूटेबल हैं और इसे बिगिनर्स भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल तो नहीं है, लेकिन ये मोस्ट रिकमेंडेड है मेरा। और मुझे लगता है कि अगर मैं कोई ब्राइडल किट अपने लिए बनाती ना, तो मैं डेफिनेटली इन्हें ही चूज़ करती। बस इतना ही कहना आई थिंक काफ़ी होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले पता है मैं हमेशा अपना मेकअप स्टार्ट करने के पहले अपने स्किन को हाइड्रेट करती हूँ विद द प्लम ग्रीन टी मिस्ट, और ये 360 रुपीज़ का है। गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं पूरे वीडियो में दिखाऊंगी उनके MRP ही आपको बता रही हूँ, बट आप सबको पता है कि हमें जो है काफ़ी डिस्काउंट में हम शॉपिंग कर सकते हैं जब सेल वगैरह आती है। खैर, अभी हम बात करेंगे अपने किट की। ये जो फेशियल मिस्ट है, ये सारे के सारे स्किन टाइप को सूट करता है, सो डू नॉट वरी, और आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, आप इस फेशियल मिस्ट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर है, ये क्रीम बेस है, इसी वजह से ये सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और साथ के साथ ऑल सीजन वेयरेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेकअप अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइजर ज़रूर अपने स्किन पर अप्लाई करें। इसकी प्राइस है 120। एंड गाइज, मैं इस ब्राइडल किट में मैं ये मेकअप ब्रशेज़ भी इंक्लूड कर रही हूँ। आप सब कहते हैं कि दीदी मेकअप ब्रशेज जो आपने रिकमेंड किया था वो नहीं मिलता है, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, ये आपको अंडर 300-400 आराम से मिल जाएगा। ये है ब्यूटी ब्लेंडर, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि 199 का मिल जाएगा। इससे सस्ता और इससे अच्छा नहीं मिलेगा। और इस ब्राइडल किट में मैंने इंक्लूड किया है वैनिटी बॉक्स, ये है नायका का वैनिटी बॉक्स, ये 799 का। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इतना ज़्यादा बढ़िया, मैंने इसे अपने शादी के टाइम पर लिया था और मैं भूल गई थी इसे वीडियो में कई बार इंक्लूड करने का, बट आप अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्लमजी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि गिर गया तो टूट जाएगा, और इसमें काफ़ी स्पेस है, इसमें आपके जो मेकअप है वो आराम से आ जाएंगे, और इसमें छोटा सा मिरर है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, तो आप इसे रख के मेकअप भी कर सकते हो। ये है लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर प्राइमर, एंड गाइज ये बहुत अच्छा प्राइमर है बिकॉज ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, इसमें हल्का सा पिंक टिंट है तो कलर करेक्शन करता है। इसकी प्राइस है 299। इसमें आपको 30 ग्राम्स वाला, मतलब इसमें ना बहुत छोटा मिनी साइज़ जो है वो 299 का मिल जाएगा। मेरे पास बिग साइज़ वाला है तो इसका प्राइस भी ज़्यादा है, बट अगर आप बिगनर हो और आप चाहते हो कि आप कभी कभी मेकअप करोगे तो आप मिनी वर्जन भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है। अभी न्यूली लैक्मे ने इसे लॉन्च किया बिकॉज इनका हाइएस्ट फास्ट सेलिंग प्राइमर है, ये उनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसे मैंने ब्रश से कंप्लीट कर लिया। अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी कंसीलर इन द शेड 04, और इसकी प्राइस है 199। अगेन ये कंसीलर बहुत अच्छी कवरेज देता है, मीडियम कवरेज है, बट अगेन अगर आपने इसको डबल अप्लाई किया, यानी कि डबल बार ब्लेंड किया, तो आपको इसको हाई कवरेज भी मिल जाएगा। मुझे इसका मीडियम कवरेज एक ही बार में बहुत अच्छा फिनिश दे देता है, और मैंने फील किया है कि ये बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड करता है, रहता है, एकदम क्रीज नहीं करता, बहुत अच्छे से आपके इम्परफेक्शंस को भी कैंसिल आउट करता है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। एंड गाइस, जो भी मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके प्राइस भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये अंडर 6000 का बजट है, और ये वन एंड फाइनल मेरा वीडियो होगा, बिकॉज इससे ज़्यादा बढ़िया मैं और कोई वीडियो नहीं बना सकती, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि विथ प्राइस आप लेकर आओ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। गाइस, इसी बात पे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, अपना प्यार भी आप अगर दोगे तो मुझे और भी ज़्यादा इच्छा होगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। एंड फाउंडेशन के लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, और इसका ना आपको अगर बिग वर्जन नहीं लेना है तो आप इसका छोटू वर्जन भी ले सकते हो, जो कि 299 का मिल जाता है। अगेन, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, और इसमें जो मेरा शेड है वो 230 है, ये परफेक्ट शेड है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं दीदी मेरी स्किन आपसे मिलती जुलती है, या मेरी स्किन आपसे एक शेड डार्क है, या मेरी स्किन आपसे एक शेड लाइट है, मैं कौन सा शेड लूँ, तो गाइज ये जो 230 शेड है ना, ये मैंने देखा है ये बहुत लोगों को सूट कर जाता है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। वैसे आपको अपना शेड खुद समझना होगा, और कैसे पता करोगे अपना कंसीलर फाउंडेशन से, इस पर मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी। गाइज, लूज पाउडर के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर। आई नो ये लिटिल एक्सपेंसिव है, 695 का है, बट गाइज मुझे ये 400 तक में मिल गया था डिस्काउंट में, तो आप इसे ले लेना, ये बहुत अच्छा फाइन पाउडर है। अब मैं यहाँ पे
शुगर का फेस पैलेट आपको रिकमेंड कर रही हूँ गाइज। देखो इसमें आपको ब्रॉन्जर, हाइलाइटर और ब्लश मिल रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 799 में। तो आप इससे ज़्यादा सस्ता और क्या लोगे, और इससे ज़्यादा बढ़िया आपको क्या मिल सकता है। और ये जो शेड था मेरा, इसमें 01 है, इसमें दो शेड आते हैं, तो आप अपने, अगर आप मुझसे डार्कर हो तो आप एक शेड डार्क वाला ले सकते हो, बट ये अच्छा वर्क कर जाता है। इसका जो कॉन्टोर शेड है, हाईलाइट शेड है, ब्लश शेड है, ये सारे इंडियन स्किन टोन पर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने जो ब्रशेज़ आपको दिखाए थे ना पहले, जो 400 तक में आपको आराम से अमेज़न पे मिल जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट शेड्स में, बहुत सारे डिफरेंट कलर वेरिएंट्स में मिल जाता है, तो उसी से आज मैंने फुल फेस ऑफ मेकअप किया। इवन आई मेकअप भी इसी ब्रशेज़ को यूज़ करके किया है कि आपको पता चले। तो मैंने ब्लश बहुत लाइट अप्लाई किया है, और एक तरह से मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर आप ब्राइडल हो और शादी के बाद आप रेडी हो गए तो कैसे रेडी हो गए। तो ये 2-in-1 वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ मैं गाइज। अभी मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, और आपको मैं अभी दिखाना चाहती हूँ कि देखो हाइलाइटर कितना बढ़िया है इनका। लेकिन फिर भी देखो एक टेक्निक बताऊंगी जिससे आपका जो हाइलाइटर है, जैसे आपको सटल चाहिए तो आप जस्ट ड्राई स्किन पे अप्लाई कर लो, बट अगर आप चाहते हो नहीं मुझे ऐसा हाइलाइटर लगाना है जिससे मेरी स्किन ग्लोई दिखे, राइट, ब्राइडल्स को यही चाहिए होता है, तो आपको टेक्निक बताती हूँ। ये जो प्लम ग्रीन टी मिस्ट है ना, आप इसे कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो, बिफोर मेकअप यूज़ कर सकते हो, और अपने स्किन केयर में एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो, और जब आप इसे एज अ फेस सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, यानी मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो मैंने पाउडर लगाया, आई मेकअप नहीं किया है, तभी मैंने फेस सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप सेटिंग स्प्रे आफ्टर ही यूज़ करोगे, मतलब आई मेकअप के पहले यूज़ कर लो, ज़्यादा बढ़िया होता है। और जो ब्यूटी ब्लेंडर है आप उसे टैप टैप डैप कर दो, अपने स्किन पे टैप करो, या डैप एक ही वर्ड है, आप उसे अच्छे से डैप कर दो और उसे ड्राई होने दो। जब वो ड्राई हो जाएगा तब आप हाइलाइटर लगाना, और आप देखो आपका हाइलाइटर ज़्यादा ग्लोई दिखेगा। यस, ये बहुत अच्छी हैक है जो कि मुझे लगता है हर लड़की को आनी चाहिए। तो अभी मैं अपने हाइएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। बहुत अच्छा फेस मेरा लगने लगा था। मैं आईब्रो प्रोडक्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल वाटरप्रूफ इन द शेड 02 डार्क ब्राउन। एंड गाइज इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, मैं 02 डार्क ब्राउन यूज़ करती हूँ, आप इसमें ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, ग्रे भी यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे शेड्स लाइट ब्राउन एंड ऑल। ये 75 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना। और इसमें ना अगर आप इससे थोड़ा सा और महंगा लोगे 125 वाला, तो उसमें स्पूली मिलेगा, इसके कैप में आपको स्पूली मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़े फैंसी होना चाहते हो यू कैन टोटली डू दैट, बट मुझे सिर्फ इससे अच्छा लगता है, बट मे बी मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी तो। और गाइज ये बहुत दिनों तक चलता है ये प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। अभी ये आई शेडो के लिए मैं आपको वेट एंड वाइल्ड रोज़ इन देयर आई शेडो पैलेट सजेस्ट कर रही हूँ। लुक एट द शेड्स, इसमें आपको दो शिमर मिलेंगे, बाकी सारे मैट मिलेंगे, और जो कलर्स है वो लिटरली यूज़ होने वाले कलर्स हैं। तो जो शेड मैंने दिखाया है उसे मैंने अपने ट्रांजिशन पे अप्लाई किया, और ये बहुत प्यारा ट्रांजिशन शेड है। और मैं ये जो मेकअप लुक आज दिखा रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ कि आपको कुछ सब समझ में ना आया ना, तो ये जो आई मेकअप है ना, ये सारे के सारे ड्रेसेस और सारे के सारे वेराइटीज़ ऑफ ड्रेसेस के साथ जाता है, चाहे आप सूट पहनो, चाहे जीन्स पहनो, चाहे कुछ भी पहनते हो, हनीमून पे जा रहे हो, या घर पे पूजा है, या जस्ट सिंपल आपको मेकअप करना है। अगर आपको मेकअप करना है तो आप इस तरह से करो। और ये आई शेडो का प्राइस है 499, बट डेफिनेटली गाइज आपको बहुत डिस्काउंट में मिल ही जाता है, और मैं अपना बेस्ट पॉसिबल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट आप कोशिश करना एक स्मार्ट बायर बनने का, और आप कोशिश करना कि हर जगह पे यू नो एकदम CIB की तरह जांच पड़ताल कर लेना, कहाँ पे ज़्यादा प्राइस में, ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा है आपको। और अभी हाइलाइटर शेड लेके मैंने अपने लिड्स पे अप्लाई कर लिया, तो बस 3 कलर अप्लाई किया मैंने, देखा ना आपने, ट्रांजिशन पे अलग, आउटर वी पे अलग, और यहाँ पे अलग। अब मैं फेसेस कनाडा का मैग्नेटिक आईज कलर वाला जो काजल है वो ले रही हूँ, ये 179 रुपीज़ का है। एंड गाइज ट्रस्ट मी, मैं हमेशा प्लम सजेस्ट करती हूँ ब्राइडल्स को, बट उस टाइम मुझे भी लगता है कि यार कई लोग तो शायद इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, और अगर मुझे पता होता ना कि ये इतना अच्छा काजल है तो शायद मैं भी प्लम ना लेती। लेकिन गाइज वो 500 का प्लम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको पसंद है तो आप ले लेना, बिकॉज मैंने उसे यूज़ किया है और वो बहुत अच्छा है। बट ये भी अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट टेस्ट है, आई कैन से दैट। तो ओके, अभी मैं जो ब्राउन कलर मैंने अपने आउटर वी पे अप्लाई किया था ना, बस उसी को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ये पेंसिल टाइप ऑफ ब्रश है तो काफ़ी ज़्यादा एकदम डिटेलिंग टाइप का हो जाता है, और बहुत अच्छे से स्लोली स्लोली मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइज अगर आपको मन है तो आप थोड़ा सा और डार्क काजल लगा लेना, मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया बिकॉज मैं थोड़ा सा इसे नॉर्मल सटल समथिंग काइंड ऑफ करना चाह रही थी। अभी ये NYBA का आई लाइनर है, इसका प्राइस 75 है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं बेस्ट आई लाइनर बता दो आप मुझे, मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ड्राई। गाइज आई लाइनर तो आई लाइनर है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और मेरा फेवरेट एक्चुअली नायका हुआ करता था, और मुझे बहुत सारे आई लाइनर्स पसंद थे, बट जब से ये सिर्फ 75 रुपीज़ का मुझे पसंद आया ना,
तब से मैंने इसे यूज़ किया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती ना तो मैं डेफिनेटली इसे ही परचेस करती, बिकॉज़ यूट्यूब में होने की वजह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ जाती है जो मेरे काम नहीं, मतलब एक ऑलरेडी मेरे पास होने के बावजूद होता है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी प्लीज़ बताइएगा एक अच्छा आईलाइनर, तो मैंने बता दिया एन वाई बे का आईलाइनर, ये बहुत अच्छा है, 75 रुपीज़ का है। एंड मेरे पास ये बहुत अच्छा लिप लाइनर है वेट एंड वाइल्ड का, फैब फूशिया शेड है और 135 रुपीज़ का मिल जाता है, विच इज़ अगेन अमेजिंग, बहुत ज़्यादा ईजिली ग्लाइड ऑन करता है और आप इसे एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसे थोड़ा सा अपने लिप को कंटोर किया, कंटोर यू नो लिप्स को भी कंटोर कर सकते हैं, यस, थोड़ा सा उनके एजेस पे थोड़ा सा डार्क शेड लगा, मतलब थोड़ा सा लगा लो। वैसे मैं जो लिपस्टिक लगाने वाली हूँ वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मैंने यहाँ पे शुगर का 01 ब्रेजन रेजन यूज़ किया है, मेरी फेवरेट है, 500 रुपीज़ की है। और मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा यूज़ किया है जिसकी प्राइस है 299, बट मुझे 150 तक में मिल गया था, वेट एंड वाइल्ड पे बहुत अच्छी डील मिल जाती है आपको, बस यू नीड टू बी वेरी यू नो क्विक, कहाँ पर कौन सी डील है, कहाँ पर अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, पर्पल पे, कहाँ मिल रहा है सबसे चीप प्राइस में, वो देखना होगा आपको। मैं ये रिकमेंड करूँगी बिकॉज मैंने इसे लिटरली फिनिश किया है, ये फर्स्ट मस्कारा है जिसे मैंने फिनिश किया, वरना मेरे मस्कारास ड्राइज अप हो जाते हैं, तो मैंने इसे यूज़ किया। और ये ईयरिंग है ये मेरी फ्रेंड पूजा ने मेरे लिए लाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने इसे वेयर किया है। गाइज आप अपना ओरिजिनल गोल्ड कुछ भी पहन सकते हो, वट एवर यू लाइक, बट मुझे थोड़ा सा इसे फैंसी दिखाना था, सो दैट्स वाई आई यूज इट। इसे मैंने इंक्लूड नहीं किया ब्राइडल किट में। अभी मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया और अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट किया और आप देख ही सकते हो मेरा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। अब आपका मर्जी, आप साड़ी पहनते हो, सूट पहनते हो, क्या करते हो, दैट इज़ अप टू यू, बट येस ये जो मेकअप लुक है ये बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ थोड़ा सा दिखा दिया कि मैंने पफ बनाया था स्कूल टाइम पे, क्या करती थी, अभी किया है मैंने। मेरे फेस पे पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि ओवल शेप हो जाता है मेरे फेस का, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये हेयर स्टाइल ऑन माय फेस। तो आप इसे विदाउट लैशेस रख सकते हो, फॉर श्योर रख सकते हो, विदाउट लेंस रख सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें डिफरेंट वेरिएशन दिखाने की कोशिश की है कि आप इसे किस तरह से सजा सकते हो, दैट इज़ टोटली फाइन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बिंदी लगाई, एक्चुअली ये जो स्टोन वाली बिंदी है ये मुझे बहुत मन कर रहा था लगाने का, ये मैंने अपने शादी के टाइम पे लिया हुआ था। और मैं अभी ना लेंस अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मुझे लेंस बहुत पसंद है, ओ लेंस का मैंने रशियन वेलवेट ब्राउन अप्लाई किया है। एंड गाइज मैंने शायद लैशेज नहीं लगाए, और आप चाहो तो लगा सकते हो, मैंने ब्राइडल किट में इंक्लूड किया है 199 का नायका का लैशेज। सो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं सोनाली, मिल दूँ आपको अपने अगले वीडियो में, चिल्ड्रेन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।